हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इसके पहले वाले वीडियो में 5.1 चैप्टर का अंडरस्टैंड एलिमेंट्री सेप्स क्लास 6 का 1 नंबर सम किया था। सेकंड सम देखिए क्या, वाई इज इट बेटर टू यूज़ अ डिवाइडर देन अ रूलर, वाई मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि कहने का मतलब है, रूलर यानी स्केल से हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को क्यों अच्छी, मतलब क्या उसको हम बेटर वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, व्हेन वी मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय अ रूलर, अगर हम किसी रूलर की सहायता से किसी रेखाखंड को मापते हैं, तो जो मान लीजिए ये हमारा रूलर है, तो ये जो रूलर होता है, तो हम किसी रेखाखंड को अगर माप रहे हैं मान लीजिए, तो जो इसका ये जो मोटाई होती है या फिर इसका जो कोणीय होता है ना, इसकी वजह से जो होता है कुछ त्रुटियां, मतलब कुछ गलती हो सकता है, ये हो सकता है, यही कह रहा है। एरर ड्यू टू इट्स द थिकनेस एंड द एन एंगुलर विंग, यानी कि इसकी मोटाई और इसके ये कोणीय जो ये निकले हुए हैं, इनकी वजह से हम कुछ मतलब गलती कर सकते हैं। तो दिस एरर्स कैन बी रिमूव्ड बाय मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, तो इस एरर को अगर हम रिमूव करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर, तो हैंस देन विद द डिवाइडर इज बेटर देन रूलर। तो क्या ये कह रहा है कि इन त्रुटियों को हम किसकी सहायता से माप कर मतलब किया जा सकता है, ये हमसे कह रहा है, क्या रूलर की सहायता से कर सकते हैं, अगर वो गलती हो रहा है तो इन गलतियों को हम किसकी सहायता से माप सकते हैं, तो बेटर देन अ रूलर से ही करके आप देख सकते हो। सो गाइस, ये मेरा सॉल्यूशन है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट छोड़ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।